हेलो फ्रेंड, दिस इज मोमो शोएब बैक अगेन विद अनदर वीडियो एंड यू आर वाचिंग डिजिटल नोटिस। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रॉन की, मतलब TRX कॉइन की, और एज यूजुअल हम बात करेंगे इसके फ्यूचर प्रेडिक्शन की, इसका कंसेप्ट क्या है, क्या टेक्नोलॉजी है एंड क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो शुरू करने से पहले बस मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल बटन को भी क्लिक करें ताकि आप हमारी तरफ से कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रॉन के कंसेप्ट की। तो ट्रॉन का जो बेसिक कंसेप्ट है दैट इज टू मेक अ डिसेंट्रलाइज कंटेंट एंटरटेनमेंट सिस्टम, यानी मतलब जिसको मैं सिंपल वर्ड्स में अगर कहूँ तो बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज इंटरनेट बनाने के लिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो पहले जो इंटरनेट हमारा जब लॉन्च हुआ था वो डिसेंट्रलाइज था, एक कम्युनिटी को बिलोंग करता था, कोई उसको पर्टिकुलरली ओन नहीं करता था इंटरनेट को, कोई उसकी कोई अथॉरिटी थी नहीं थी किसी की कि वो उसको कंट्रोल कर सके। लेकिन विद टाइम हम जानते हैं जो बड़े बड़े टेक जाइंट्स हैं, जैसे जो हम कह सकते हैं जो इंटरनेट जाइंट्स हैं, जैसे हमारा फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, इन्होंने कहीं ना कहीं इंटरनेट को पूरी तरीके से ओवरटेक कर लिया है, पूरी तरीके से रूल कर लिया है। बिकॉज जो भी बड़ी सर्विसेज हैं जो एक यूज़र सीक करता है, एक जो सर्विसेज यूज़र को चाहिए होती है, वो कहीं ना कहीं ये जो कंपनीज हैं, बड़े टेक जाइंट्स हैं, ये प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड अल्टीमेटली हमें इन कंपनीज के पास जाना पड़ता है उन सर्विसेज के लिए, और वहाँ पे फिर ये कंपनीज हमसे मुंह मांगे, मतलब अपने हिसाब से ये हमें चार्ज करती हैं। सो दिस इज व्हाट द मेन कंसेप्ट ऑफ ट्रॉन इज ऑल अबाउट, कि एक जो हमारा इंटरनेट जो रूल हो गया है अब बड़े बड़े कंपनीज के थ्रू, उसको फिर से डिसेंट्रलाइज करना, यानी मतलब यहाँ पर इंटरनेट शुड बी फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, यानी मतलब आप जैसे लोग, मतलब हम जैसे लोग ही उसमें कंटेंट क्रिएटर बने, हम जैसे लोग ही उस कंटेंट को स्टोर करें एंड हम जैसे लोग ही उस कंटेंट को यूज़ करें, तो यहाँ पे सबका भला हो। तो ट्रॉन बेसिकली एक जो है एक सिंगापुर बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो इस कंसेप्ट को लेकर आई है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमैनिटी। ये सब कुछ इन्होंने मैंशन किया है अपनी वेबसाइट पर एज वेल एज अपने वाइट पेपर्स में। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि आप अगर कंटेंट क्रिएटर हैं, आप कोई भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, यू विल बी द ओनर ऑफ दैट कंटेंट, और आप वहाँ पे पब्लिशर बन सकते हैं। उस कंटेंट को पब्लिश करने के बदले में आपको रिवॉर्ड किया जाएगा विद ट्रॉन कॉइन्स के साथ। एंड सेम मॉडल है स्टीम इट की, अगर हम बात करें स्टीम इज का भी एग्जैक्टली सेम मॉडल है, वहाँ पे आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, और जितने आपका कंटेंट जो पॉपुलर होगा, जो आपका कंटेंट है, जितने नंबर ऑफ व्यूअर्स उसको देखेंगे, उतने नंबर ऑफ आपका जो रिवॉर्ड्स है वो बढ़ेगा, एंड वो रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ स्टीम कॉइन। सो सेम बिजनेस मॉडल है अगर यहाँ की मैं बात करूँ, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत एडिशन किया गया है। यहाँ पे आप कंटेंट क्रिएटर को तो रिवॉर्ड किया ही जा रहा है कि उसका अच्छा जो कंटेंट है, उसके अलावा जो कंट्रीब्यूटर है, यानी मतलब जो उस कंटेंट को लाइक कर रहा है या शेयर कर रहा है, जो भी कुछ भी कंट्रीब्यूट करे या कमेंट करे, उसको भी रिवॉर्ड किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ TRX कॉइन्स। एंड जो उस कंटेंट को स्टोर कर रहा है उसको तो ऑफ कोर्स रिवॉर्ड किया ही जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट अगर मैं कहूँ क्रिप्टो करेंसीज के जो कंसेप्ट हैं, जैसे क्लाउड स्टोरेज की बात करें तो सिया कॉइन था, एंड हमारा कंटेंट क्रिएशन की बात करें तो स्टीमिट था। तो इसको मिक्स करके एक हमारा ट्रॉन का कंसेप्ट बनाया है कि कंटेंट क्रिएटर भी आप बन सकते हैं, आप उस डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं, एंड और उसके बाद उस कंटेंट को आप यूज भी कर सकते हैं। तो यूज करने वाले का भी फायदा है कि उसको बहुत चीपर रेट्स पे उन सर्विसेज को वो यूज कर पाएगा, उस कंटेंट को वो मतलब उस इंफॉर्मेशन को वो ले पाएगा जो पेड इंफॉर्मेशन होगी ऑफकोर्स। तो इस तरीके से ये एक तरीके से उनका मानना है कि ह्यूमैनिटी का फायदा होगा। उसके अलावा भी और भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे ट्रॉन की, यानी मतलब जैसे जो एक बेसिक होती है हर क्रिप्टो करेंसी में कि पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। ट्रॉन इज स्टिल वर्किंग ऑन देयर प्रोजेक्ट, और मैं ये समझता हूँ इनका अभी बहुत लंबा एक प्रोजेक्ट है जो अभी बहुत टाइम तक ये डेवलपमेंट में चलता रहेगा। कुछ सेक्शन ऑफ द जो इनका जो प्रोजेक्ट है वो डेवलप हो चुका है, लाइक कंटेंट क्रिएशन एंड ऑल दैट स्टफ, वो सारा कुछ हो चुका है, इट इज़ एब्सोल्युटली वर्किंग फाइन। एंड उसके अलावा जो ये वर्क करना चाह रहे हैं दैट इज़ कि इन फ्यूचर दे वांट टू मेक अ प्लेटफॉर्म जो जिसपे डैप बनाई जा सके, मतलब डिसेंट्रलाइज एप्स बनाई जा सकें, अपना लोग अपना कॉइन बना सकें, जैसे कि सेम काइंड ऑफ सर्विसेज जो इथेरियम प्रोवाइड कर रहा है, कार्डेनो प्रोवाइड कर रहा है, एंड लिस्क प्रोवाइड कर रहा है, दे आर स्ट्रेटिस भी इस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। सो दे आर वेरियस सर्विसेज इन द मार्केट ऑलरेडी। तो मैंने कहा कि सबको मिक्स करके इन्होंने क्या किया है, एक कंसेप्ट बनाने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे ट्रॉन
एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी बनाने की कोशिश कर रहा है जिसपे आगे जाके आप अपना कॉइन बना सकेंगे, लॉन्च कर पाएंगे, एंड एवरी सिंगल इंडिविजुअल जो होगा वो अपना ICO लॉन्च कर पाएगा इस वजह से, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स के साथ। कुल मिला के मिक्स करके वो एक इतना बड़ा एक कंटेंट का एंटरटेनमेंट, मतलब डिसेंट्रलाइज कंटेंट का एंटरटेनमेंट सिस्टम बना देंगे कि वहाँ पर लोग ही कंटेंट क्रिएटर हैं, लोग ही उसको स्टोर कर रहे हैं और लोग ही उसको यूज़ कर रहे हैं कंटेंट को। तो बेसिकली एक बिल्कुल पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज इंटरनेट वो हो जाएगा। द अदर थिंग, जो पॉपुलैरिटी जो रिसेंटली ट्रॉन ने पाई वो इस वजह से, सबसे बड़ी चीज़ जो होती है किसी भी कॉइन की अगर पॉपुलैरिटी के पीछे, तो वन ऑफ द रीज़न इज़ इट्स उसका कंसेप्ट, सेकंड उसकी टेक्निकल टीम कैसी है। तो मोस्टली जितने भी कॉइन्स की हमने बारे में आज तक वीडियोस करी हैं वो हम सेलेक्ट करके करते हैं कि जिनकी टेक्नोलॉजी वाइज बहुत अच्छे हैं, हम उनकी टेक्नोलॉजीज आपके लिए लेके आते हैं। सेम इज़ द केस हेयर, यहाँ पे इनकी जो टेक्निकल टीम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एंड जस्टिन सन जो CEO ऑफ ट्रॉन हैं, जिनका ये बेसिक आइडिया था, बेसिकली वो चीफ रिप्रेजेंटेटिव, मतलब एक फॉर्मर चीफ रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं रिपल के इन चाइना, एंड उनको बहुत सारे मीडिया ने जैक मा से रिलेट किया कि ही इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट जैक मा ऑफ चाइना, एंड ये भी कहा। और अगर मैं फॉर्ब्स चाइना की बात करूँ, 2015 फॉर्ब्स चाइना में 30 अंडर 30 वो रहे हैं। तो एक बहुत रेप्यूटेड एक हमारा अगर CEO हो और वो टीम को लीड कर रहा हो, तो टेक्निकल टीम अच्छी हो, तो किसी भी कॉइन में एक लोगों का फेथ बढ़ता है। एंड दिस वाज द रीज़न कि बहुत सारे लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया, एंड बिकॉज ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स जो ट्रॉन के प्राइसेस थे वो बहुत बढ़े हैं। एंड रिसेंटली अगर हम उसका देखें कि जो उसने ग्रोथ की है, अगर आप उसके ग्राफ को देखें तो इट हैज़ अ ग्रोथ रेट ऑफ मोर देन 500% इन फ्यू पास्ट फ्यू डेज, और वो राइट फ्रॉम 3 to 4 सेंट से सीधे $2 को उसने क्रॉस, सॉरी आई मीन टू से 0.21 डॉलर्स के आसपास वो गया। राइट नाउ अभी जब मार्केट फ्लक्चुएट हुआ है, आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो बिटकॉइन के प्राइसेस भी ऑफकोर्स नीचे आए हैं, और जब भी बिटकॉइन के जो प्राइसेस हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं तो प्राइसेस सारे कॉइन्स के जितने भी ऑल्ट कॉइन्स अप डाउन जाते हैं। राइट नाउ ट्रॉन जो है वो नीचे आया है काफ़ी, 2.12 डॉलर्स, तो आई गेस इट्स अ गुड टाइम टू बाय, और अगर इस टाइम आप बाय करते हैं तो ऑफकोर्स इज गोइंग टू बी अ गुड इन्वेस्टमेंट राइट नाउ। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वही बात कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी है, बिकॉज एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है ये, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। मैं शॉर्ट टर्म के लिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, शॉर्ट टर्म में डिपेंड्स, डे टू डे ट्रेडिंग है, जो डे टू डे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए अच्छा है कि वो प्रॉफिट निकाल सकते हैं इससे, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं मुझसे जो डे टू डे ट्रेडिंग करते हैं। बट फॉर लॉन्ग टर्म मैं यही कहूँगा कि आपके इन्वेस्टमेंट इसमें काफ़ी सिक्योर हैं, यू कैन गो फॉर अ लॉन्ग टर्म। और जैसे जैसे ये प्रोडक्ट जो इस जो इनका प्रोजेक्ट है उसके पीस बाय पीस जो हिस्से बनते जाएंगे, डेवलप होते जाएंगे, इसके प्राइसेस ऑफ कोर्स ऊपर जाते रहेंगे क्योंकि उसकी कम्युनिटी उतनी बड़ी होती जाएगी, एंड पीपल विल स्टार्ट हैविंग फेथ मोर एंड मोर, और पीपल विल स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट फॉर इट, और पीपल विल स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ इट। तो सारा कुछ यहाँ पे उन्होंने क्या है कि अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप बना भी सकते हैं, आपको पैसा भी मिल रहा है, एंड एवरीथिंग, मतलब उन्होंने पैसे को, कंटेंट क्रिएटर्स को, हर किसी को एक प्लेटफॉर्म दे दिया है। तो मैं यही समझता हूँ कि आपकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहेगी, आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये आई गेस इससे काफ़ी हद तक आपको समझ आ गया होगा भी ट्रॉन कॉइन क्या है और क्या इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, एंड हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे लिए बहुत मैटर करता है। कमेंट करें हमें कि आप हमारी तरफ से और क्या चाहते हैं। ऑफकोर्स नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे, जैसे हमने प्रॉमिस किया था कि भाई ट्रॉन को आप कहाँ से खरीद सकते हैं। अभी भी मैं बता देता हूँ कि ट्रॉन को आप बाइनेंस के थ्रू ईजिली खरीद सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो हम ऑफकोर्स नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे वो कि कैसे आप ट्रॉन को परचेज कर सकते हैं एज पर आवर प्रॉमिस, हम वो लेकर आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, फिलहाल आज के लिए थैंक यू।